तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों काफी दिनों से बिजी था तो इसी की वजह से अभी कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था और यूट्यूब का काम बिल्कुल जो है वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारे एक तो घर पे वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था और सेकंड थिंग भी क्लाइंटों की रजिस्ट्री वगैरह इनमें भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो इस वजह से यूट्यूब की तरफ यार ब्लॉगिंग की तरफ बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं था। तो आज एक बार एक लेटेस्ट वीडियो के साथ एक फिर से एक नई वीडियो के साथ एक बार हाजिर हैं और अभी आज मैं आपको डेवलपमेंट दिखाने वाला हूं सेक्टर 20 पॉकेट सी का, क्योंकि ये आपको बताया कि मैं ज़्यादातर ऑन डिमांड ही ब्लॉग शूट करता हूं क्योंकि अभी मेरे को एक प्लॉट का ब्लॉग शूट करके आना है जो कि पार्टी को उसकी वीडियो सेंड करनी है। और सी पॉकेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सी के साथ साथ ही आपको सारा डेवलपमेंट भी अथॉरिटी का जो यहाँ पे हो चुका है वो सारा कंप्लीट जो अभी हो चुका है वो भी आपको सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी तरीके के आपको यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड वीडियोज आपको दिखाता रहता हूँ। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जिसमें आपको चारों पॉकेट का डिवाइडेशन आपको देखेगा। राइट साइड में बी पॉकेट है एंड मेरे लेफ्ट साइड में ए पॉकेट। अगर सामने पूरा ये रोड क्रॉस करके जाएंगे तो राइट में सी पड़ेगा एंड लेफ्ट साइड में डी पड़ेगा। ये तो मेन चौराहा है जो कि चारों पॉकेट को डिवाइड कर रहा है। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं पॉकेट सी की तरफ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल सीवर लाइन और यहाँ पे 1000 मीटर के प्लॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अथॉरिटी का जो डेवलपमेंट है वो उसमें आपको प्लॉट की डिमार्केशन आपको हो चुकी है और यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा मैं अभी कुछ 1000 मीटर के प्लॉट में भी यहाँ पे कंप्लीशन का काम यहाँ पे चल रहा है। तो यार अभी कुछ किसानों के डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे जिसमें फसल खड़ी है ये प्लॉट ही है वैसे तो, लेकिन अभी किसान के डिस्प्यूट की वजह से क्योंकि अभी 64% मुआवजा और ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है। 7% का जो ये किसान का डिस्प्यूट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसी वजह से अभी आपको यहाँ पे कब्जा भी आपको देखने को मिल सकता है, वो भी हर पॉकेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा चाहे वो सेक्टर 18 है चाहे वो सेक्टर 20 है। सो दोस्तों किसानों का डिस्प्यूट जो वो हर पॉकेट में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ चुके हैं जो कि ये आप देख सकते हैं ये 45 मीटर का वाइड रोड है। तो इसी के साथ साथ जो सर्विस लेन है अगर आप राइट साइड में सामने की तरफ देखेंगे तो पॉकेट बी है इधर और इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये पॉकेट सी है। तो अभी हम पॉकेट सी में एक प्लॉट का इन्वेंट्री थी मेरे पास एक जो कि मैं अभी उस पर का व्लॉग शूट करके पार्टी को सेंड करने वाला हूँ तो उसी की वजह से मैं यहाँ पे आया था। तो मैंने सोचा एक क्यों ना पूरा ब्लॉग ही शूट कर लिया जाए पॉकेट सी के बारे में ताकि आपको पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे दिख जाए कि अथॉरिटी का कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका है। और दोस्तों एक बार बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे साथ डील किया है क्योंकि यार ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये बिल्कुल आप लोगों की वजह से ही है। लोग चैनल को इतना सपोर्ट करते हो तो आज उसी का ये रिजल्ट है कि यार मैंने अभी टॉप मॉडल में ही पेट्रोल में एक सेलेरियो गाड़ी ली है जो कि व्लॉग शूट करने के लिए। आपको पता है पहले की जो वीडियो रहती थी वो ज़्यादातर मैं स्कूटी से शूट करता था लेकिन अभी थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है क्योंकि अब मैं गाड़ी से यहाँ पे व्लॉग शूट करता हूँ। तो यार बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने अभी तक मेरे साथ काम किया है और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ जो मेरी ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉकेट सी का डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह ये सारा काम आपको कंप्लीट मिलेगा और ये आप देख सकते हैं 1000 मीटर के प्लॉट में आपको यहाँ पे कंप्लीशन का काम भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस प्लॉट के अलावा भी और कई प्लॉट हैं जिनमें अभी यहाँ पे कंप्लीशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आप फसल का एरिया देख रहे हैं वो किसानों के डिस्प्यूट की वजह से अभी कब्जा नहीं दिया गया तो इस वजह से आपको यहाँ पे डिस्प्यूट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का जो डेवलपमेंट है उसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको डेवलपमेंट वो कंप्लीट देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की तो अभी यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और सीवर लाइन का, यहाँ पे पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन, ये सारे जो डेवलपमेंट है वो अभी होने बाकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी पॉकेट के अंदर आपको कंप्लीशन का वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो अथॉरिटी का डेवलपमेंट है वो दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे अभी जैसे ही किसानों का डिस्प्यूट खत्म होगा तो उसी के साथ साथ ही आपको यहाँ पे सारा जो डेवलपमेंट है वो अथॉरिटी अपना करके आपको डिलीवर कर देगी आपका प्लॉट। अभी यहाँ पे प्लॉट की डिमार्केशन और यहाँ पे बोर्ड वगैरह का काम काफी अच्छी तेजी से चल रहा है जो कि आसपास के सभी पॉकेटों के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा प्रीमियम पॉकेट है जो कि आपको 45 मीटर रोड के साथ ही आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। वहीं अगर मैं रेट की बात करूँ अथॉरिटी प्लॉट के रेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेट जो स्टार्टिंग रेट जो आपको मिलता है वो 31 से 32 हज़ार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये रीसेल में ही आप
आप यहाँ पे ये जो प्लॉट हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फ्रेश है या फिर बिल्डर की तरफ से या किस तरीके से, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये 2009 के अलॉटमेंट का है जो कि यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने अलॉटमेंट की थी, तो उसी टाइम के ये अलॉटी के अभी अलॉटी से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, तो अभी ये रीसेल में ही आपको प्लॉट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का मूड है, क्योंकि यहाँ पे आसपास की जो लोकेशन है वो यहाँ से अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि मैं अब लगातार ये अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो इस माध्यम से आपको देने वाला हूं और यहां का डेवलपमेंट आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। सो दोस्तों, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई अपडेट के साथ। अभी तो एक प्लॉट की वजह से मैंने ये व्लॉग शूट किया था। थैंक यू सो मच, बाय।